नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो हरियाणा में किसकी होगी छोटी सरकार, क्योंकि अब डोर टू डोर का समय बचा है, प्रचार का शोर थम चुका है। जी हां, हरियाणा में अब छोटी सरकार कहे जाने वाला निकाय का जो रण है उसके लिए सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। रविवार को इसके लिए वोटिंग है और 22 जून को नतीजे आने वाले हैं। तैयारियों का दौर भी जारी है। तीन तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कहां की होंगी तस्वीरें, झज्जर की होगी, फतेहाबाद की होगी और गोहाना से। अब ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तैयारियां जारी हैं। फतेहाबाद में पार्षद और चेयरमैन पद के चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। झज्जर में भी नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। झज्जर के नेहरू कॉलेज में ईवीएम मशीनें पहुंच गई हैं, पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। आज ईवीएम मशीनों को जांचा परखा जाएगा, साथ ही सभी अधिकारियों की ड्यूटी के दिशा निर्देश झज्जर के उपाय के द्वारा यहां पर दिए जाएंगे। और इस मौके पर झज्जर के उपायुक्त जो हैं कैप्टन शक्ति सिंह और झज्जर के पुलिस कप्तान वसीम अकरम वो मौजूद रहे। वहीं गोहाना में नगर परिषद चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से करवाने के लिए पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है। अब शांति से मतदान करवाने के संदेश के साथ गोहाना पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला, जिसका नेतृत्व एएसपी मयंक गुप्ता ने किया। तो देखिए, फतेहाबाद, झज्जर और गोहाना की हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, किस तरह से यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, क्योंकि अब प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। अब सिर्फ डोर टू डोर जाकर ही जो वोट है वो मांग सकते हैं। तो इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसी उनकी तैयारियां हैं, कितने कॉन्फिडेंस हैं, कॉन्फिडेंट है इस चुनाव को लेकर। तो 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद में चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव के लिए 19 जून को मतदान होना है और 22 जून को सुबह 8 बजे से वोटों की जो गिनती है वो भी शुरू हो जाएगी। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक ग्रोवर मेरे साथ रतिया से जुड़े हैं और पिहोवा से गगन मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है, जो शोर है चुनाव का, प्रचार का, वो तो थम ही गया है, अब डोर टू डोर जाने की बारी है। तो ऐसे में कल भी, जब कल का दिन भी बड़ा रहने वाला है क्योंकि कल वोटिंग होगी, इसके लिए तैयारियों की अगर बात करें, फिलहाल पूरी तैयारियां जिस तरह से आपकी तरफ से भी अपडेट दी जा रही है, तैयारियां हो चुकी हैं। और पार्टियों की अगर बात करें तो डोर टू डोर उनका कैसे रहने वाला है? देखिए सृष्टि, 19 जून को सुबह मतदान शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां की जा चुकी है। शहर के 17 वार्डों में 23,336 के करीब मतदाता कल अपने मत का प्रयोग करेंगे। 8 महिला उम्मीदवार हैं जो प्रधान पद के लिए यहाँ पे हैं और 47 के करीब जो पार्षद पद के लिए कैंडिडेट मैदान में हैं। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी गई है। मेरे साथ कुछ चुनाव अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करता हूँ इसको लेकर। हाँ सर, नमस्कार, हरियाणा में। हाँ, ये बताएं कल की जो तैयारियां चुनाव को लेकर, किस तरह की तैयारियां? प्रशासन अधिकारी के हिसाब से की तैयारी करी है, वो सारी मुकम्मल तैयारियां हैं। हमने आज, जैसा की आप पिक्चर देख रहे हैं, हमने आज जो हमारी पोलिंग पार्टी जन्म सब को सामान बांट दिया है और उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। सरकार के इलेक्शन कमीशन के हिसाब जो डायरेक्शन थी उसके हिसाब से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने का पानी, पंखा वगैरह, बाउंड्री वगैरह, वो सारी जरूर पुलिस पार्टी की भी साथ में ऐसी काबिलियत रखे, उनकी ड्यूटी लगी हुई है और सामान हम बांट चुके। शहर के 17 वार्डों में 4 पार्षद चुने जा चुके हैं, 13 वार्डों में जो पार्षद पद के चुनाव होने हैं और प्रधान पद के चुनाव होने हैं। 17 वार्डों में कितने बूथ बनाए गए हैं? मैं सबसे पहले कुछ दिन 4 वार्डो में हमारा सर कमेटी से कैंडिडेट को फाइनल किया है, मैं उन 4 वार्डों में चुनाव से चुनाव चाहूंगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे 17 वार्ड हैं टोटल, जिसमें से 30 बूथ हैं, उन 30 बूथों पर हमारी जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हैं। हमारी जो बिल्डिंग है, जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं, इलेक्शन कमीशन के 200 मीटर के बाद में जो पोलिंग पार्टी कैंपेनिंग लगानी है या कोई भी चीज है, वो सारी हिदायत उनको बता दी गई है। सुरक्षा
की जहाँ तक बात की जाए शांतिपूर्वक चुनाव हो, इसको लेकर सुरक्षा के क्या क्या प्रबंध किए? पुलिस पार्टी की जो तैयारियां हैं, जो ड्यूटी है, वो हम कल रिहर्सल कर चुके पुलिस पार्टी की, तैयारियां पूरी मुकम्मल है। हमारे एक टीम है, लेकिन हमें एक हफ्ते में मैंने और आरओ साहब ने हमने जो विजिट किया उसके हिसाब से कोई भी कुछ ऐसा कोई छोटी मोटी घटना होगा। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि रज्जा इलेक्शन पूरी तरह मैसेज क्या देना चाहोगे शांतिपूर्वक मतदान और शहर में लोगों? शांतिपूर्वक तो मैसेज मुझे लगता है देने की आवश्यकता नहीं है, लोग जागरूक हैं, समझदार हैं। बस ये निवेदन और अपील करना चाहूंगा कि हमारी जो वोट परसेंटेज है वो ज्यादा से ज्यादा रहे, और परमात्मा का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने मौसम को इतना अच्छा कर दिया है, कुछ हुआ है। आप सुबह 7 बजे से 6 बजे तक जो इलेक्शन कमीशन ने टाइम फिक्स किया है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलिए। आपने सुना कि जो चुनाव है कि जो चुनाव है पूरे शांतिपूर्वक तरीके से करवाए जाएंगे, इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। और दूसरी बात यहाँ रह गई, जहाँ तक है जो चुनाव प्रचार है कल शाम को थम चुका था, आज जो कैंडिडेट हैं डोर टू डोर लोगों को मिल सकते हैं, उसके लिए वो वोटों की अपील करेंगे। जी ठीक है अशोक, गगन का रुख कर लेते हैं पिहोवा से। गगन, पिहोवा में कैसी तैयारियां नजर आ रही है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल चुनाव का प्रचार बंद हो चुका है, और देखा जाए तो जो कैंडिडेट है वो लगातार जो है थोड़े थोड़े जो सभी घरों में जाकर वोटिंग की अपील की जाए कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर भी मैं दिखाना चाहूँ, सुरक्षा को लेकर भी पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है, आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है, और देखा जाए तो हमारे साथ जो स्थानीय लोग भी जो मौजूद है उनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर जो कल अपनी वोटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि छोटी सरकार से जो माना जा रहा है कि छोटी सरकार ही जो तय करेगी कि आने वाले 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो किस पार्टी की सरकार ज्यादा वो करेगी। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद है, क्या क्या नाम है सर आपका? वरुण अत्रे। तो किन मुद्दों को लेकर जो आप कल वोटिंग करेंगे? शहर की काफी समस्याएं हैं, परंतु जिस प्रकार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 29 पॉइंट रखे गए हैं, और यह तभी संभव है जैसे सेंटर में हमारे माननीय मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद माननीय खट्टर जी हरियाणा सरकार बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, उसके बाद हम पेवा पे आए, पेवा पे खेल मंत्री हमारे संदीप सिंह सुरमा जी बहुत विकास करवा रहे हैं, और अगर इसी गाड़ी में चौथा भैया आशीष चक्रवाणी जी के रूप में जो पेवा से चेयरमैन पद की दावेदारी कर रहे हैं, अगर वो चौथा भैया भी जुड़ गया तो पेवे के विकास की जो गाड़ी है बहुत तेज दौड़ेगी। बीजेपी ने अपने 29 पॉइंटों में उसमें बच्चों से लेके बुजुर्गों तक का ध्यान रखा है। सबसे पहले महिला सुरक्षा को लेके देखें, महिला सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ पेवा थाने में कोई ऐसा कंट्रोल रूम नहीं है। सबसे पहला पॉइंट भी हमारा यही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम यहाँ कंट्रोल रूम बनाएंगे, और शहर के जो भी मेन मार्ग है, मेन बाजार है, वहां पे हम सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे। ऐसे हमारे 29 पॉइंट है, अगर जो पेवे में रहता है, पेवे की समस्या है उसी को पता है। हमारे साथ और मौजूद साथी मौजूद है, किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर जो आप कल वोट डालेंगे? देखिए बहुत सारे पेवा के अंदर काम होने हैं, और शहर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा की व्यवस्था है, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, कैमरे लगने चाहिए, हमारी गलियां सड़कें पक्की हो जानी चाहिए, और शहर में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो भी नगर पालिका के अंदर जो समय लगता है काम होने में तो वो काम तुरंत प्रभाव से होने चाहिए, आम जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को देख करके जो वादे करेगा तो उसको जनता बिल्कुल जिता करके भेजेगी, और बहुत ही ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं हमारे यहाँ आशीष चक्रपाणी जी, उनको जनता ने। हमारे साथ देखिए युवा मौजूद है, क्योंकि देखिए युवाओं से भी पूछेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर जो है आज सॉरी कल जो वोट डालेंगे, क्या किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? हमारे वार्ड में जी पिछले कई सालों से सड़कों का निर्माण, मैं माफी चाहूंगा कि मैं जिस तरह से नगर निकाय चुनावों की बात कर रहा हूं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जो नगर पालिका प्रधान पद के लेकर वोट डालेंगे? हमारे पेवा शहर में पिछले काफी समय में क्राइम ज्यादा बहुत बढ़ गया है, हमारे पार्क में पिछले कई सालों में 2-3 मर्डर हो चुके हैं जी, और हमारे पीछे वार्ड में ना तो सड़क का निर्माण हो रहा है ना तो पानी की व्यवस्था हो रही है, इसलिए हम यह सब देखते हुए अपनी बीजेपी पार्टी को जितवाएंगे ताकि आगे विकास की जो है बहुत काफी गाड़ी काफी तेजी से चले। सृष्टि देखिए काफी अनेक मुद्दे हैं, जैसे देखिए जिस तरह से बात की जाए तो कि इनका कहना है कि सड़कों को लेकर, सीसीटीवी कैमराओं को लेकर, और देखा जाए तो जिस तरह से पुलिस भी लगातार जो चेकिंग करती हुई नजर आ रही है गाड़ी वाहनों का, और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव का जो है दौर, निकाय चुनाव अब कल तय होगा कि जो लोग अपने वोट डालकर आने वाली 22 तारीख को जो पता चलेगा कि कौन कौन बाजी मारता है। जी ठीक है,
ठीक है गगन, आप बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, प्रवीण अत्री जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही केवल ढींगरा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रवीण अत्री जी, अभी जनता से मेरे सहयोगी बातचीत कर रहे थे, उनकी समस्याएं सामने आ रही है निकल निकल कर। कोई कह रहा है कि सड़कों का निर्माण नहीं है, क्राइम बढ़ गया है ये भी कहा जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कहा जा सकता है जरूरत होती है पानी की और साफ सफाई की, उसको लेकर भी लोगों में खासा नाराजगी है। देखिए ऐसा है, सृष्टि के निकाय चुनाव में जो बेसिक एम्यूनिटीज है लोगों की, स्वाभाविक है उससे संबंधित बातें होंगी। और बेसिक एम्यूनिटीज किस तरह से जनता तक पहुंचे, लगभग पिछले 8 साल में प्रदेश की मनोहर सरकार ने इस काम में मार्केबल अचीवमेंट की है। जो आप पानी की बात कर रहे थे, हमारे प्रदेश के अंदर, मैं प्रदेश का, पूरे देश के हालात ऐसे थे कि नल से जल देश की जनता को नहीं मिल रहा था। हम 1947 में आजाद हुए, लगभग 75 साल हमें आजाद हुए हो गए, और जनता को नल से जल प्राप्त ना हो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूं, तो पिछले 8 साल में हरियाणा प्रदेश सरकार ने इस अचीवमेंट को प्राप्त किया है कि हर परिवार को नल से जल मिले। जिस वक्त मनोहर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लगभग 19 लाख परिवारों के पास नल से जल की व्यवस्था थी। आज हमारी अचीवमेंट ये है, हम 100% अचीव कर चुके हैं इस टारगेट। रही बात सीवरेज, एक बहुत बड़ी व्यवस्था है क्योंकि निकाय से संबंधित है। सीवरेज के मामले में हालांकि केंद्र सरकार की योजना ये थी, अमृत योजना, जिस योजना के तहत सीवरेज, नए सीवरेज और पुराने सीवरेज का साइज, आपको याद होगा कई बार हमारे विपक्षी मित्र इस बात की आलोचना करते थे, देखिए सरकार ने सारे गलियां खोद दी है जी, सरकार ने सारी सड़कें खोद दी है जी। क्योंकि उस वक्त जब नया सीवरेज डलना शुरू हुआ तो स्वाभाविक है सीवरेज तो अंडरग्राउंड डलता है, सीवरेज पाइप अंडरग्राउंड डलता है, और सीवरेज पाइप डालने के लिए आपको खोदना तो पड़ेगा। लेकिन विपक्षी मित्र बजाय ये बात कहने के कि सरकार किस तरह से सीवरेज के लिए काम कर रही है, बजाय सरकार का धन्यवाद करने के, आलोचना का ढंग ये ढूंढा कि साहब खुदाई कर दी है पूरे शहर की। और हमारे यहाँ बहुत से शहर ऐसे थे जहाँ सीवरेज साइज छोटा था, पाइप का साइज छोटा था, वहां पे उनका साइज बड़ा किया गया। एक बड़ी बात और होती थी, जब बारिश होती थी कई बार सीवरेज ओवरफ्लो कर जाते थे। वर्तमान सरकार ने तो बाकायदा ये व्यवस्था करनी शुरू की कि जो सीवरेज होल्स हैं वहां पे सेंसर लगाए जाए कि अगर सीवरेज ओवरफ्लो करने लगेगा उससे पहले ही अलार्म जो है वो बच जाए, जिससे कि उसको समय रहते संभाल लिया जाए। तो जब सरकार इस तरह से काम करती है, अब सीसीटीवी कैमरा, देखिए हालांकि बहुत से शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरा सरकार ने लगा दिए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में इससे काम होना बाकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में इस विषय के ऊपर फोकस किया है कि जैसे ही ट्रिपल इंजन सरकार प्रदेश में बनेगी और सीसीटीवी कैमरा के ऊपर काम होगा, तो हरियाणा प्रदेश की सरकार बाकायदा इस बात में फोकस किए हुए है कि प्रदेश की जनता को जो जन सुविधाएं मिल रही हैं उनमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो, उनमें और ज्यादा इजाफा हो। और ये बहुत जरूरी भी है, देखिए प्रदेश की जनता भी बेहतर जानती है, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में मनोहर जी, और नीचे निकाय मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश की जनता के हित में विकास को। ठीक है सर, आपने वादा कर दिया है, ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता उस वादे पर कितना भरोसा करती है। केवल ढींगरा साहब, इस बार के चुनाव जो हैं वो अलग रहने वाले हैं पिछली बार से, काफी अलग रहने वाले हैं, कैसी आपकी तैयारियां हैं, हालांकि सिंबल पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जी देखिए, चुनाव होता है ये भाईचारे का चुनाव होता है, लेकिन भाजपा इसको अपने आप से प्रतिष्ठित चुनाव बनाने की फिराक में है, और एक 27 पॉइंट का संकल्प पत्र भी जारी किए हुए है। लेकिन साथ साथ में प्रवीण अत्री जी ने ये भी गिना दिया कि हमने तो सारा कुछ व्यवस्थ कर दिया, सारी चीज इस समय सुविधाएं पूरे प्रदेश को मिल रही हैं, और पूरी जगह पे कोई गली की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं काले की प्रॉब्लम नहीं, कहीं पानी की प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस की सरकारों में बड़ी प्रॉब्लम थी, उस समय कुछ था ही नहीं, उस समय पानी नहीं मिलता था, उसको दुरुस्त नहीं करेंगे। लेकिन अब जो है सारा कुछ दुरुस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी 22 पॉइंट लेके आए हैं जो इन्होंने अभी पूरे करने हैं। तो अगर सारा कुछ पहले ही पूरा हो चुका है तो 22 पॉइंट किस बात के लिए लेके आए हैं, ये समझ नहीं आया। दूसरी बात ये है कि अभी जो नया नया जो अभी इन्होंने एक नया नियम लागू किया है कच्चे पोची योजना का,
ये कट्टे फौजी योजना जब ग्रामीण अंचल में उतरेगी और उनको समझ में आएगा कि हमारे जो फौजी लगेंगे अब देश में वो कट्टे फौजी योजना हो गई, और जिस तरह से पहले किसान को कानून लाके आए थे, 3 कानून थे, उन्हीं किसानों को जब ये पता चलेगा कि बड़ी मुश्किल से 750 किसानों की शहादत के बाद वो 3 कानून बड़ी मुश्किल से इनसे रद्द करवाए और कितनी शहादत दी, अब कट्टे फौजी योजना में भी लोग जो है इन सब बातों का आपको फायदा होगा क्या? आप तो सिंपल मेरी बात पर भी नहीं लड़ रहे, लोगों को बीजेपी जो काम कर रही है वो तो बताने पड़ेंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे काम जो किए हैं वो बताने चाहिए ना। तो जो कट्टे फौजी योजना में जो लोग जो हमारे किसान अंचल के जो लोग फौजी बनते हैं उनके लिए जो बड़ी अच्छी योजना लेके आई है, उस योजना को लोग किस तरह से लेंगे और कल जो वोटिंग होगी उसमें किस तरह से चुनाव में लोग वोट करेंगे ये तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद पता लग जाएगा। बस एक चीज जरूर है, ये इनका जो जो काम कहने का या काम करने का तरीका उसमें बहुत फर्क है, कहने में बहुत लंबी लंबी बातें लेकिन करने में जीरो। ये और आपका है जो कांग्रेस का सर, कांग्रेस की क्या तैयारी सर, आप अपनी भी तो बात कीजिए। देखिए हमारी तैयारी पूरी है, हम लोग चुनाव में अपने आदमियों को लड़ाने के लिए जो भी लोग जाएंगे हम उनको फ्री हैंड देते हैं और वो लोग अपनी गलियों को इलाकों को पक्का करवाने के लिए और के लिए सारा काम जब हमारी सरकार आएगी तो वी विल डू दैट। लेकिन आज की डेट में जहाँ पे हमारे आदमी जीत के जाएंगे वो अपने पूरे प्रयास करेंगे कि वहाँ पे पूरा काम हो सके, हम उनको सपोर्ट करेंगे कि उनका काम पूरा करवाया जा सके किस भी तरीके से। लेकिन जहाँ तक ये जो जहाँ पे इन लोगों ने यही गिना दिया, लेकिन सर आपने अपनी चुनावी घोषणाएं बताई नहीं, आपने बताया नहीं कि अगर अब जीतते हैं तो कहाँ पर सबसे पहले फोकस होगा। देखिए हमारा चुनाव जो होगा वो होगा जिस तरह से सड़कों के बीच में आप गोल्फ खेल सकते हैं, खड्डा योजना जो है वो उसके ऊपर होगा, गलियों के विकास के लिए होगा। हमारा जो चुनाव है वो जो गांव के अंदर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं पानी की, बिजली की, अलग अलग जगह पे जो अव्यवस्था है, सारी चीज के बारे में, महंगाई का मुद्दा भी रहेगा, सब चीजें रहेगी। लेकिन जो अभी सब कुछ व्यवस्था में हो चुका है उसके बारे में भाजपा अपने गुणगान जो टीवी पर कर रही है ये समझ नहीं आ रहा कि वो प्रैक्टिकली। लेकिन सर आपको नहीं लगता है बीजेपी और जेजेपी की जो तैयारियां हैं इस इलेक्शन को लेकर और आप कहीं फ्रंट फुट पर नजर नहीं आ रहे हैं तो इसका खामियाजा कहीं उठाना पड़ जाए? नहीं, फ्रंट फुट पे तो हम है ही, हम तो हमेशा ही फ्रंट फुट पर रहते हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता इतने ज्यादा हैं, वो सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरे सभी अपनी तरफ से मुस्तैद है, अपना इलेक्शन को समझ के, अपने भाईचारे का इलेक्शन समझ के वो तैयार है। लेकिन अभी जो व्यवस्था दिख रही है, जो सिस्टम दिख रहे हैं, जो खामियां दिख रही हैं, उनको मुद्दों को लेके पब्लिक तक जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो बाकी पार्टियां हैं वो तो सारे को व्यवस्थित ही बता रही है, वो तो कह रहे हैं कि सब जो है इस समय सब कुछ ठीक ठाक है, पर लेकिन फिर भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है अत्रे साहब, आपने तो मिलकर ये चुनाव भी लड़ने का फैसला किया है, हालांकि पहले कहा जा रहा था अलग अलग लड़ेंगे लेकिन अब बीजेपी जेजेपी साथ आ गए हैं, बहुत मजबूती के साथ कंपटीशन दे रहे हैं आप कांग्रेस को या फिर अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो। लगता है कहीं ना कहीं ये गलती आपसे भी हो रही है, क्योंकि कल मैं एक चैनल पे चर्चा में था, निकाय चुनाव पे चर्चा थी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने वहां पूरी तरह से स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस निकाय चुनाव नहीं लड़ रही। मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, कहूं तो मैं प्रवक्ता का नाम ले सकता हूं अगर आप इजाजत दें। उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हम निकाय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और ये बात सत्य भी है। देखिए जो राजनीतिक दल चुनाव छोड़ के रायपुर जाके बैठ गए, जो राजनीतिक दल चुनाव छोड़ के ईडी के दफ्तर के बाहर नारे लगाना शुरू कर दे और वो यहाँ पे आपके चैनल पे आके ये कहे कि साहब देखिए हमने अपनी चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास बहुत कार्यकर्ता है, पहले तो कांग्रेस ये फैसला करे कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है या कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। तो केवल जी जवाब देंगे क्या, चुनाव लड़ रही है कांग्रेस या नहीं? अगर केवल जी अभी जवाब दे दें। सृष्टि जी पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, आप टेंशन मत ले, बड़े सारे लोग हमारे चुनाव लड़ रहे हैं हर इलाके में,
चलिए चलिए, आपके कल प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस नहीं लड़ रही है, इसलिए मैंने ये बात की। दूसरी बात, मुझे ये समझ रहा है अपनी बात बता रहा हूँ। अरे कल सुनिए सुनिए भाई सुनिए सुनिए, कल आप हर खबर हरियाणा की डिबेट देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। दूसरी बात देखिए, अब एक और चमत्कार देखना, हमें एक जादू देखने को मिलेगा आपकी बार निकाय चुनाव में, कि जो राजनीतिक दल चुनाव में ही नहीं है, जो राजनीतिक दल सिंबल पे चुनाव लड़ने से भाग गया, वो राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहा है, वो हमें जादू जरूर देखने को मिलेगा। हरियाणा की जनता देखेगी कि बिना चुनाव लड़े कैसे चुनाव जीता जाता है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा फैसला क्यों लिया, आपको क्या लगता है? देखिए मैं बताता हूँ क्यों लिया है। हुआ यह है कि कांग्रेस के नेताओं को इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। अब वो क्या रहा है कि कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता हैं अपने हाईकमान के सामने एक भ्रम बना रखा है, विशेष तौर पर हुडा कैंप ने, उन्होंने एक भ्रम पैदा कर रखा है कि साहब देखिए हम बहुत मजबूत है प्रदेश में और हम देखिए कमाल करेंगे। लेकिन अगर ये सिंबल पे चुनाव लड़ते, सूखड़ा साफ होता तो ये भ्रम टूट जाता। तो इन्होंने बेहतर समझा कि आप चुनाव से भाग, टाइम नहीं बचा है तो लास्ट में केवल जी से आपकी बात पर ले लेती हूँ। केवल जी, सूखड़ा साफ होने का डर था इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि चुनाव लड़ भी रहे हैं या नहीं लड़ रहे, लास्ट कमेंट केवल जी। सृष्टि जी बात ये है, चुनाव हम पहले भी लड़ते आए हैं, अब भी लड़ रहे हैं, और ये आपको बता रहा हूँ, पहले भी कभी हमने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा, छोटा चुनाव, आज भी नहीं लड़ रहे। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, चुनाव लड़ भी नहीं रहे, बड़ी पार्टी है, हमारे बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ने की इच्छा रहती है। हम सभी लोगों को ये कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए और अपने अपने उस पर आप जीत के आइए। हम चुनाव लड़ने अगर एक सवाल का जवाब दे दिया, इनका पेवा में कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे? पहले भी नहीं कभी आज तक लड़े और अब भी नहीं लड़ रहे चुनाव उसके ऊपर सिंबल पे। लेकिन हमारे पूछिए कि इनकी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार कमालाबाद में, उसको नहीं के अंदर लड़ रहे, जवाब तो नहीं आते, केवल आने का काम पैदल पे अपनी शक्ल दिखाना, आधा घंटा केवल चिल्लाना। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है। गगन आपसे फाइनल यहाँ पर मैं कमेंट लेना चाहूंगी, क्या जनता के बीच कांग्रेस कहीं नजर आ रही है? कम शब्दों में गगन अपनी बात रखिए। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल हमारे सर सर सवाल मेरा मेरे सहयोगी गगन से है, गगन आपको आवाज मिल पा रही हो तो जी बोलिए। गगन, जनता के बीच क्या कांग्रेस नजर आ रही है कहीं, क्योंकि जिस तरह से आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं, सिंबल पर नहीं लड़ रही, चुनाव ही नहीं लड़ रही। बिल्कुल देखिए इस टीम आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस बिल्कुल भी कहीं भी नहीं देखने को मिल रही। पिहोवा की बात की जाए या इस्माइलाबाद की बात की जाए तो कहीं भी कांग्रेस कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है जी। कोई भी उनके जो कांग्रेस के जो नेतागण है, चाहे उनके नेतागण, कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहे हैं जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में इस शामिल होने के लिए। तो देखिए अब समय ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि अब कल मतदान होना है और उससे पहले अब डोर टू डोर कैंपेन जो तमाम उम्मीदवार है वो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता जो है वो किसे चुनती है, किस पर मोहर लगाती है। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।